हाँ जी धर्मवीर गुप्ता नरोत्तम नगर का वासी हाँ। साढ़े मोहल्ले खासकर साढ़े स्ट्रीट के जड़े भी मैन होल है वो ओवरफ्लो करते हैं, गंदा पानी गली च 24 घंटे खड़ा रहता। ये समस्या पिछले 5-7 महीने तो ज़्यादा बढ़ गई है। तो सिर्फ सफाई कर्मचारी कहें जी गटर ब्लॉक हुए हुए हैं थोड़े, ये तां सफाई होगी अगर एक मैन होल होर बन जाए तो वो डिस्टेंस ज़्यादा है। उसके वास्ते लाडी मान जी ने कोशिश की जो उत्ते गटर बनवाया जाए, एक और मैन होल बनाया जाए ताकि सफाई आसान हो जाए, पर रुकावट आई है। वो क्यों रोक रहे हैं यदा समझ नहीं आया। ये एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए दखल अंदाजी करके इसका एक मैन होल होर बनाया जाए ताकि सफाई हो जाए वो, तो पानी ओवरफ्लो होने तो बंद हो जाए। इतने नगर कौंसल अधिकारी आए थे जी। हाँ जी, तो उन्होंने भी कहना वो कहते जी मैं मजबूर है, मैं तो थोड़ी भी गल मानता, जिहड़े रोक रहे हैं उन्होंने खिलाफ भी जा नहीं सकता, ये तुम देखो की करना। वो हेल्पलेसनैस उन्होंने दिखाई कि मेरी मजबूरी है, मैं नहीं कुछ कर सकता। की नो जी अपनी अनिल अग्रवाल। अच्छा जी, साड़ी कोठी सामने 24 घंटे पानी खड़ा रहता जिहड़ा कि सीवर ओवरफ्लो हो रहा है। असीं जिहड़ा मेन अपने मेन सफाई वाला कर्मचारी है उन्होंने गल की, कई बार वो कहिंदा जिहड़ा जिहड़ा गटर का डिस्टेंस है वह दूसरे गटर नालों बहुत ज़्यादा है, उहदे नाल पानी ब्लॉकेज है, मैं सफाई इस तों बाद नहीं कर सकता। भी जे दोनों गटरां दे विचकार एक गटर होर बनिया जाए तो यह पानी बिल्कुल नहीं खड़ेगा, ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी। लेकिन उन्होंने दो बारी गटर बनवाने की कोशिश की है लाडी जी ने, पर गटर जिहड़ा बंदे बंदे बिचे रखवा दिता गया। कुछ बंद ने कहता भी इतने गटर असं नहीं बन देना, जबकि गली सरकारी है, साड़ी रिक्वेस्ट यही है भी जो गटर का डिस्टेंस है वो अगर रस्ते एक गटर बन जाए गली के बन जाए तो जी रोज़ की गंदगी का समस्या का हल हो। मेरी ऑलरेडी मेरे बेटे की डेंगू करके डैथ हो चुकी है पिछले 12 तरीक न, जिसे करके जब हूँ इन्ना पानी गंदा खड़ा है जिन्हें बीमारी होने के बहुत ज़्यादा चांसिस है। इस करके हल इमीजिएटली होना चाहिए, जो डिस्टेंस है गटर का घटा के नवा एक गटर गब्बे बनना चाहिए जो कि रुकवाया जा रहा है। लाडी मां जी ने दो बार कोशिश की है गटर बनवा की, दोनों बार रुकवाया गया तो बंद ने बनने नहीं दिता, जी कि बिल्कुल गलत गल है। हाँ जी, मेरा नाम परमजीत सिंह शाही है जी, नरोत्तम नगर मकान नंबर 125 का रहने वाला। तो इतने पानी खड़न की समस्या अद्धे साल के समय तो लगभग लगातार चल रही है कि पानी सीवरेज का पानी ओवरफ्लो हो रहा क्योंकि वापस मार रहा। सफाई करने वाले मेहनत करते हैं, उन्होंने पूछा गया वो कह रहा है कि जेडे दो चैंबर के डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो सिरे तो सिरे तक सफाई नहीं कर सकता, उन्होंने इन बिटवीन एक चैंबर होर बन जाए तो सफाई संभव है। तो उसके लिए म्यूनसिपल कौंसल अप्रोच की गई उन्होंने अधिकारियों ये सब तक, उन्होंने हुक्म कर दते बनाने के, लेकिन कुछ इतने के रहायश वाले उन्होंने रोक रहे हैं। जदों के जोड़ा चैंबर बनना है मकाना तो दूजे पास बनना है जिते पार्क की कंध के नाल किसी कोई डिक्का नहीं पै रहा। सो गल समझ नहीं आ रही भी क्यों रोकया जा रहा है। सो बेनती है भी मसला हल करता जाए, बीमारियां फैल रही पिछे जी इतने साढ़े गुआढ़ियों के एक नौजवान बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट डेंगू कारण डैथ हो चुकी है, बीमारियां फैल रही बीमार हो रहे हैं लोग। सो ये मसला कोई गंभीर कोशिश करने की लोड़ नहीं, सौखा जहा काम है पर पता नहीं डिक्का पाने वाले क्यों पा रहे हैं। करन 127 नरोत्तम नगर। अच्छा, की समस्या आई थोड़ी? फिर सीवरेज फुल डे बैक मारता जी पूरा साल ऑलमोस्ट लास्ट 6 मंथ से तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। अच्छा, इतनी बीमारियां ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे इतनी ज़्यादा हो गई कि रहना मुश्किल हो गया। अच्छा, तुसी और ये की काउंसलर का नाम की है? लाडी मान जी। उन्होंने उनको ये पता है बट वो भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा, तो उनको पीछे से हेल्प नहीं है या कुछ लोग अड़ रहे हैं बीच में। अच्छा, नगर कौंसल है? हाँ जी। अच्छा, की कहना? कोशिश की है बट कोई इलाज नहीं हो पा रहा जी। अच्छा, कारण नहीं दस सके? वो कहते एक चैंबर होर, वो कहते एक और चैंबर बनने हो तो बट कुछ लोग यहाँ बनने नहीं दे रहे हैं जी। खन्ना तो परमजीत सिंह धीमान की खास रिपोर्ट।